मुखपत्र सामना में शिवसेना का मोदी सरकार पर राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर हमला, लिखा जो कांग्रेस सरकार में हो रहा था वही बीजेपी सरकार में हो रहा है, बदला है तो कुछ ब्रांड। कलेक्टर को थप्पड़ मारने वाले एनसीपी विधायक और सुरेश लाड के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, लाड पर मारपीट और सरकारी अधिकारी के काम में गतिरोध पैदा करने का केस दर्ज। दाल की कीमतों में उछाल के खिलाफ एनसीपी की महिला मोर्चा ने किया सड़कों पर प्रदर्शन, सीएम फडणवीस को भेजी तुअर दाल की राखी। दही हांडी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राज ठाकरे ने उठाया सवाल, कहा कि आखिर हिंदू त्योहारों पर ही कठोर क्यों है न्यायपालिका, कहा मुहर्रम में बच्चों के शामिल होने पर क्यों नहीं होती कार्रवाई। दही हांडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे मुंबई में तीन दही हांडी मंडल, दही हांडी उत्सव में बनाएंगे 20 फीट से ज्यादा ऊंचाई के मानव पिरामिड। बरसात आते ही शुरू हुआ मौसमी बुखार, पिछले 45 दिनों में अलग अलग अस्पतालों में वायरल फीवर के 3,828 मरीज पहुंचे, डॉक्टरों के मुताबिक लोगों में जागरूकता बढ़ाए जाने की जरूरत। अप्रैल 2017 से बीएमसी अस्पतालों में नहीं पड़ेगी पुराने पेपर ले जाने की जरूरत, अपॉइंटमेंट के लिए भी नहीं करना होगा लंबा इंतजार। 30 अगस्त से 1 सितंबर तक 3 दिन के लिए राज्यभर में अंगदान जागरूकता अभियान शुरू करेगी टाटा ट्रस्ट की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी हुई शुरू। महाराष्ट्र बड़ी कुपोषण के मरीजों की तादाद, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 6 साल के 83,068 बच्चे हैं कुपोषित, पिछले एक साल में 4,595 बच्चे हुए कुपोषित। दाऊद के भांजे की शादी में शामिल हुए एक्टर एजाज खान ने दी सफाई, कहा मेरे पुराने दोस्त हैं अली, शादी में जाकर मैंने निभाया दोस्ती का फर्ज। हीरा नंदानी अस्पताल में किडनी रैकेट के मामले में गिरफ्तार 5 डॉक्टरों को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने दी सशर्त जमानत, डॉक्टरों पर एजेंटों के साथ मिली भगत का है आरोप। जीआरटी ने बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए दलाल को किया गिरफ्तार, दलाल के चंगुल में फंसी नाबालिग लड़की को कराया आजाद, बांग्लादेश की रहने वाली है पीड़ित, 11 मई को बांग्लादेश में लाई गई थी बच्ची। सतारा जिले के वाई इलाके में 6 लोगों की हत्या करने वाले डॉक्टर संतोष कोल ने पुलिस को दी बधाई, डॉक्टर कोल ने चिट्ठी में लिखा कि अगर 2003-2016 तक पुलिस नहीं होती करप्ट तो काफी पहले सुलझ चुका होता मामला। यश बिरला ग्रुप की 10 प्रॉपर्टी महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने की जब्त, यश बिरला पर 11,000 निवेशकों करीब 300 करोड़ रुपए ठगने का है आरोप। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर रफ्तार का शिकार बनी एयर होस्टेस, स्विफ्ट डिजायर कार में सवार एयर होस्टेस मलाड से जा रही थी एयरपोर्ट, रिड्स कार से टक्कर होने के बाद हुई घायल, अस्पताल में भर्ती है एयर होस्टेस। रियो में भारत के मेडल जीत पर बॉलीवुड ने दी साक्षी और सिंधु को बधाई, शाहरुख अमिताभ आमिर ने ट्विटर के जरिए किया सलाम। कैटरीना से ब्रेकअप पर रणवीर ने तोड़ी चुप्पी, अफवाहों और झूठी खबरों को बताया ब्रेकअप की वजह, दीपिका ने कही दिल की बात, यश चोपड़ा के साथ काम न कर पाने पर जताया अफसोस। आलिया ने रोमांटिक अंदाज में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ तस्वीरें की शेयर, ड्रीम टीम टूर में यूएस में कर रही परफॉर्म। रियलिटी डांस शो झलक दिखला जा में करण जौहर की जगह लेंगे गोविंदा, करण ड्रीम टीम टूर के लिए गए हैं अमेरिका। सलमान खान ने बहन श्वेता के साथ मनाया राखी का त्योहार, बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट में दिखे सलमान। बॉक्स ऑफिस पर होगी अमिताभ और अजय देवगन की टक्कर, गोलमाल 4 और आंखें 2 का हुआ ऐलान, अगले साल दिवाली में रिलीज होंगी दोनों फिल्में। रितेश देशमुख धोनी की फिल्म का मराठी में करेंगे डबिंग, आंखों सुशांत सिंह को मराठी में देंगे अपनी आवाज। रियो में अक्षय कुमार के गाने पर फिर की मैक्सिकन तैराक जोड़ी, आयला रे गाने पर परफॉर्म कर फाइनल में बनाई जगह। बिकिनी लुक के लिए कैटरीना ने कम किया 7 किलो वजन, बार बार देखो फिल्म में बिखेरेंगी जलवा। ओडोमॉस नहीं पहना तो घर पे रहना प्रेजेंट्स
विशेष। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हमें नेहा बाथम। एक बार फिर एक बच्चे की तस्वीरों ने दुनिया की आंखें नम कर दी हैं। गृह युद्ध में फंसे सीरिया के अलेप्पो में रूसी सेनाओं ने एक इमारत पर बम बरसा दिए। इमारत से एक लहूलुहान बच्चे को बाहर निकाला गया। सुनने में बेशक ये खबर आपको आम लग रही होगी, लेकिन सिर्फ 20 सेकंड के लिए आप इस बच्चे से मिल लीजिए। सिर्फ 20 सेकंड के लिए दिल थाम कर बस इन तस्वीरों को देखिए। कोई बोले भी तो क्या, पूछे भी तो क्या, तस्वीर खुद ही सारी कहानी बयां करने के लिए काफी है। खून और मिट्टी से सने 5 साल के इस मासूम चेहरे में हर किसी को अपने दिल का टुकड़ा दिख रहा है। इस मासूम को तो ये भी नहीं पता किसका कसूर क्या है। अचानक इसके घर पर रूसी सेना का बम क्यों गिरा? धमाका इतना जबरदस्त था कि बच्चा सन्न था। उसे मालूम ही नहीं कि उसके सिर से खून बह रहा है, उसके सिर में गहरा जख्म हो गया है। उमरान को एम्बुलेंस की कुर्सी पर बिठाया।